देख सकते हो आप क्या प्यारा लग रहा है ये यार, बहुत ज़बरदस्त। अभी हम टॉप व्यू और नीचे आपको यहाँ से नीचे जो है ये पार्किंग वगैरह आपको मिल जाएगी। सो आप शीघ्र हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, मजे में होंगे, अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं अपने नए व्लॉग में। मैं हूं मुनीबुल इस्लाम, आपके साथ जुड़ रहा हूं, फिर से वार्तालाप कर रहा हूं एक नए व्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। आज हम जा रहे हैं रामन शाम के टाइम इफ्तार के बाद, तो इफ्तार के बाद जाने के बाद हम जा रहे हैं रामबन। तो आपको रात इस टाइम रात अंधेरा अंधेरा है, हम बैठे हुए हैं जा रहे हैं भाई, हाईवे तो देख रहे हैं आप। ये है हमारा लोकल हाईवे मैत्रा का, यहाँ पे जगह ही नहीं होती गाड़ी लगाने की। एक्चुअली क्या था, इफ्तार के बाद सोचा हमने कहीं जाएंगे घूमने, तो अभी हम जा रहे हैं घूमने, चक्कर मारने जा रहे हैं हम। सो फिलहाल अभी हम चले हैं रामन के लिए। सो रामन में एक्चुअली एक ये चीज़ खुली है, कपूर कॉम्प्लेक्स खुला है, उसे हम एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कैसा खुला है, हमको पता नहीं है अब कैसा खुला है, वहीं जा रहे हैं अभी। तो ये अपना लोकल हाईवे, अपनी बीस्ट, रात को कहीं चमकती थी अब रात को भी नहीं चमकती है, इसकी लाइटें जो ख़राब हुई वो मज़ा ख़राब हो गया है। सो फिलहाल अभी बने रही हमारे साथ इस व्लॉग में, इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सो उम्मीद है आपको हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, और पिछला व्लॉग भी आपने उसे पूरा सपोर्ट किया होगा, पिछले व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लेना वहाँ से। सो फिलहाल अभी चलते हैं रामन के लिए, मिलेंगे वहीं पर, फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक, आपको सामने वो दिख रहा होगा कपूर कॉम्प्लेक्स क्या चमक रहा हुआ है, वहीं जाने वाले हैं अभी हम। तो क्या बात है, क्या चमक रहा है ये कपूर कॉम्प्लेक्स, अभी जाएंगे हम वहीं पे। तो यहाँ पे चिप हाउस जो है, चिप क्लॉथ हाउस ये था, ये यहीं पे शिफ्ट हो गया है पीछे, तो पीछे अभी यहाँ पे हम इसको चिप क्लॉथ हाउस वहाँ पे शिफ्ट हो गया है अभी। तो यहाँ पे ऊपर जाके हम देखेंगे अभी कोई कि कैसा लगता है यहाँ पे ऊपर, देख सकते हो अब क्या प्यारा लग रहा है ये यार, बहुत ज़बरदस्त। अभी हम यहाँ पे एक चिप हाउस है और साथ में हेलो ब्रदर, मज़े में अच्छे से होते। यहाँ पर जो है ये शूज़ शॉप भी अच्छी खुली है, एस टी बूट हाउस, ये भी बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे शूज़ शॉप खुल चुकी है सारे शूज़ वो। अभी यहाँ से ऊपर भी ऊपर चलेंगे, ऊपर नज़र मारोगे ना बहुत प्यारा लग रहा है ये, तो क्या बताएं अब आपको हम, तो ऊपर जाके देखते हैं हम। सब मुबारक हो आपको, आप इनमें एंट्री हो चुके हैं अपने, ये भी हमारे क्लासमेट हैं, तो मुबारक हो इस चीज़ के लिए आपको, है ना। सब साल कॉस्मेटिक शॉप इसने खोली है यहाँ पे, देख सकते हो आप अपने भाई की। सो ये अपने बचपन के साथी हैं, तो इनको मुबारक देते हैं हम, स्पेशल जगह आप इंटर हो चुके हो, बहुत ही प्यारी जगह पे और फ्रंट में। तो बाकी मज़े में अच्छे से बढ़िया। तो ये है भाई चल, यहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह कर रही, कुछ तेल वगैरह और थोड़ा सा चीज़ें ले रही है शॉप से, मैंने कहा चलो ले लेते हैं यहाँ से भी। नवीर तुझे कुछ लेना है, मैंने ले ले पाउंड्स क्रीम, कोल्ड क्रीम वो मैं नहीं लगाता, पाउंड्स चार सर्दी के लिए ऊपर है ना, पाउंड्स मुंह दोबारा नहीं लगाएंगे। जा अभी ऊपर टॉप से भी दिखाऊंगा मैं व्यू इसका कैसा लगता है। सो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। तो अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि रामन में आपने तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है ये चीज़ देख के कि यहाँ पे भी डेवलप हो रहा है रामन बहुत ज़्यादा। अभी मैत्रा साइड भी एक बहुत सारी बिल्डिंग्स बड़ी मैं वहाँ पे भी देखते हैं कि क्या खुलेगा, अभी देखते हैं। अभी ऊपर से टॉप से मैं व्यू दिखाऊँगा आपको इस चीज़ का कि मतलब कितना सही लगता है ये झूमर, तो बहुत प्यारा लगता है और बहुत ही सही लगता है। मैं अभी टॉप पर जा रहा हूँ तो टॉप से आपको व्यू दिखाता हूँ। सो अभी यहाँ से देखोगे ना आप इसको कितना प्यारा लग रहा है ये। सो वो भी अभी वो जो वहाँ पे भी शॉप खुली है, ग्रॉसरी शॉप है, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। अपने भाई की वो भी शॉप है, मतलब वो भी अपने साथ में थे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी वो शॉप है। तो यहाँ पे यहाँ से ऊपर से देखोगे ना यहाँ पे टॉप व्यू, और नीचे आपको यहाँ से नीचे जो है ये पार्किंग वगैरह आपको मिल जाएगी। सो अब उसकी ग्रैंड ओपनिंग थी, तो फिलहाल अभी यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा है ये वो। अभी और बाकी कुछ शॉप्स वगैरह खुलने वाली हैं यहाँ पर, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। और यहाँ से सामने से अभी कुछ चीज़ें बन रही हैं, तो टॉप से आपको ऊपर से दिखाऊंगा मैं कि क्या है। अभी मतलब इस चीज़ से खुशी हो रही है कि मतलब डेवलप जो हो रहे हैं यहाँ पे चीज़ें, अभी ऊपर डेवलप हो रही हैं, तो वो अलग मज़ा है ना डेवलप होने का। और यहाँ से नीचे आपको नज़र मरेगी और यहाँ से नीचे देखने में मज़ा आएगा भाई। रामन एरिया अपना ये है, ये अपना रोड मार्केट जो है, और इसके साथ में आपको सो एक जो हाउस है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं रामन में अभी,
तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वो अच्छा लग रहा है, रोड भी डेवलप हो रहे हैं, सब कुछ डेवलप हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि स्मार्ट सिटी भी बनेगी एक दिन हमारी रामन इंशाल्लाह, बस इसी उम्मीद में हम हैं स्मार्ट सिटी बनेगी ज़रूर। सो बनते रहें, आप जुड़े रहें, अभी चलते हैं हम ऊपर कुछ खाएंगे, थोड़ा सा फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सारी मार्केट अभी ओपन हो गई, अभी कुछ रह गई ओपन होना, यहाँ से भी अभी बहुत सारी ओपन होंगी मार्केटिंग। सो यहाँ से भी नीचे ये है कि मतलब यार मैं बता नहीं सकता कि मतलब कितनी यार कितना अच्छा लग रहा है ये देख के, यहाँ चीज़ ना यार आपको क्या ही बताएं, ये रामन हो रहा है डेवलप, तो बहुत ही अच्छा डेवलप हो रहा है, तो लगे रहेंगे हमारे किसने दी तो किसने दी मिठाई पार्लर वाले हमें कहाँ पार्लर वाली मिठाई देगी, तुम्हें ला रही थी, मैं ढूंढ रही थी, मिलेगी फिलहाल मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पार्किंग है बहुत सारी, यहाँ पे पार्किंग भी आप लगा सकते हो, जब भी यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करनी होगी तो पार्किंग वगैरह भी आप लगा सकते हो, तो बहुत ही अच्छे से। सो फिलहाल एक्सप्लोरिंग दिस कपूर कॉम्प्लेक्स, मेरे बैकग्राउंड में आपको ऐसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसे अगर यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे आके आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में कपूर कॉम्प्लेक्स दिखेगा। तो ये जो है आपको ये कपूर कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़बरदस्त। सो अभी फ़िलहाल अभी हमें खाने का कुछ मूड बन रहा था, लेकिन खाने का कुछ वो जो चीज़ें मिलती आम वही वो मूड नहीं आ रहा खाने का यार, कुछ नई चीज़, कुछ नई वेराइटी, कुछ नया, कुछ खाने के लिए कुछ मिलना चाहिए कुछ नया, क्या है क्या है। तो वो चिकन मोमोज वाला जो है वो तो बंद है, वो रमज़ान में बंद होता है, तो बाकी अभी मुझे मूड ऐसा आ रहा है कि कुछ खाएँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या खाएँगे। तो अभी फ़िलहाल अभी देखते हैं, अभी निकलते हैं घर के लिए, सिस्टर ने कुछ अभी डिसाइड नहीं किया हुआ है कि मतलब लाइटें ऑन कर देते हैं पहले, तो अभी डिसाइड नहीं किया हुआ है क्या खाएंगे, तो पहले हम गाड़ी मोड़ लेते हैं अपने बीस्ट को। अभी हम गोलगप्पे वगैरह, हमारा मूड हमें देखा कि गोलगप्पे वगैरह खाएंगे, तो सिस्टर के लिए गोलगप्पे हम गाड़ी में पैक करवा रहे हैं, वो खाएगी, तो हम यहाँ पे चाट वगैरह खाएंगे, तो वही हमने सोचा वहाँ जाके यही खा लेते हैं। सो मूड हुआ यही खाने का, तो फिलहाल अभी इसको हम खाते हैं, तो फिर मिलेंगे हम आपसे, तो ये जाके हम सिस्टर को देते हैं वहाँ पे गाड़ी में, गाड़ी में बैठी हुई है, तो वहीं पे जाके हम उसको ये पकड़ाएंगे वो गोलगप्पे। सुखो इतने नहीं खा लेना सर, खा लेगी, ठहर एक में खा लेता। इधर भी एंट्री बोर्ड बनने वाला है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जबरदस्त बनने वाला है। कप्तान अभी हम खाएंगे गोलगप्पे, फिर मिलेंगे हम आपसे। सॉरी मैंने चाट वगैरह आधी खा ली, मैंने सोचा मैं भूल ही गया था आपको दिखाना। अभी ये चाट वगैरह यहाँ पे जो असली चाट होती है ना वो वाली तो नहीं है, लेकिन जो होती ना इसमें बल्ले वगैरह जो गोलगप्पे यहाँ पे पड़ते हैं, लेकिन दूसरे जो है मिक्सचर्स वगैरह जो होते हैं उसको पता नहीं क्या बोलते, छोटे छोटे होते हैं, वो असली चाट तो वो होती है, ये नहीं जो बाहर दिल्ली वगैरह में जो चाट बनती है ना वो सही चाट होती है, ये वहाँ यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है, तो ये सिंपल चाट ही को चाट समझते हैं। तो फिलहाल अभी वही चाट अगर होती ना तो और मज़ा आता, तो इसको हम खाते हैं, फिर मिलेंगे, अजान भी होगी, तरावी भी पढ़नी है, जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं, निकलते हैं घर के लिए। कल की शायद आपने न्यूज़ सुनी हो या ना सुनी हो, तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ यार, कल का एक अफसोस भरा वाकया है यहाँ पे, कि मतलब यार कल सुबह कोई 10:30 बजे जैसे ये जो सामने फ्लाईओवर जो बन रहा है ना, इसमें से कल ऊपर से लड़का एक गिरा नीचे, इतने मतलब हाइट से यहाँ पे नीचे गिरा, तो उसकी जो इतने हाइट से गिरने के बाद डेथ हो गई भाई, बहुत ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ का। मतलब काम करना है, फुल सेफ्टी होनी चाहिए काम के लिए, मतलब फुल सेफ्टी रखो तो तभी फ़ायदा है। अभी मिलते हैं हम घर में सीधा, आपसे भी तरावी के लिए भी निकलना है, तो चलते हैं फिर वहीं पे मिलेंगे थोड़ी देर में। हम जितना जल्दी कर रहे थे उतना हम जाम में फंस गए भाई, क्या करेंगे अब जाम उतने ज़्यादा लग गया, ओ भाई अब पता नहीं जाम कब खुलेगा यार, और यहाँ पे जाम में फंसना तो आपको पता ही है फिर कितनी मुसीबत होती है यहाँ पे जाम में फंसना, अगर फंस जाते हैं फिर जाम में फंसते रह जाते हैं, फिर ऊपर से नमाज का टाइम भी हो रहा था वो भी। तो अभी फिलहाल
ये चीज़ महंगी पड़ गई हमें कपूर कॉम्प्लेक्स दिखाना। तो अभी फिलहाल देखते हैं अभी जाम जल्दी से जल्दी, अगर जाम खुल गया यार कि बहुत अच्छा होगा कि जाम खुल जाएगा जल्दी से जल्दी, फिर ही तो पहुँचेंगे हम टाइम पे घर पे, तो नमाज भी पढ़ेंगे हम टाइम पे। तो फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं, हमें कोई 5-6 मिनट हो गए। मैंने कहा पता नहीं कब खुलेगा, मैंने कहा यार हाय इस टाइम ना 5-6 मिनट भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, मतलब ले वो है ना कि जल्दी पहुँचना है ना घर, तो इसलिए 5-6 मिनट भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो फिलहाल अभी वेट करते हैं कि कब खुलेगा। खुल तो नहीं रहा है भाई, यही तो आप पता नहीं किस चीज़ का, आगे ट्रैफिक वाला नहीं होता उस वजह से जाम लग जाता है फिर यार, अगर ट्रैफिक वाला होते फिर नहीं लगता है। तो कब पता नहीं होगा ना डबल ट्रिपल यहाँ पे, और शाम के टाइम डैम्पर ना बहुत ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे शाम के टाइम, तो वो भी हो जाता है फिर उधर से रोड, उसकी वजह से भी क्लोज जाता है फिर वो। तो वेट करते हैं, देखते हैं कब खुलता है, मिलेंगे। जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, इधर भी आने वाले वक्त पे, ये भी कोई 4-स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ पे भी आने वाले वक्त पे शायद कुछ बनने वाला है। और यह है कि बड़ा इसका भी चर्चे सुने हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह खुलेगा, या कोई मेडिकल वगैरह खुलेगा, या कुछ ऐसे शॉप वगैरह वगैरह यहाँ पे खुलेंगे। अब पूरा तो पता नहीं है बट यहाँ पे क्या खुलेगा, लेकिन यहाँ पे भी खुलने वाला तो है कुछ बड़ा जैसा। तो मैत्रा भी सब कुछ डेवलप हो रहा है। तो सो फाइनली अभी हम घर पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा इस व्लॉग में, क्योंकि अभी ये कि रात का भी शक टाइम था कि और नमाज का भी लेट हो गया, वहाँ पे जाके अब तरावी वगैरह मस्जिद में स्टार्ट हो गई थी। तो अब फिलहाल अभी घर में तरावी पढ़ेंगे। तो अभी ये है कि आपसे ये कहूँ कि अभी जो कपूर कॉम्प्लेक्स खुला हुआ है बहुत ही सही लग रहा है, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त डेवलप हो रहा है रामबन। और कुछ चीज़ें अभी मैंने दिखाई भी थी आपको कि नीचे मैत्रा में भी कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह बन रहा है, और एक जगह और बन रहा है शायद, अभी फिलहाल और चीज़ें डेवलप हो रामन में। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुन के, ये चीज़ें हो रही हैं रामन में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, छोटा सा या बड़ा सा व्लॉग जो भी होगा आपके लिए। सो उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। सो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले व्लॉग में आपके साथ। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना भाई। एक छोटा सा लाइक आपको मैं दिखा, स्क्रीनशॉट पे देखना कितने सब्सक्राइब नहीं करते यार, मेरे को कितनी मेहनत होगी, लेकिन मेरे को जितना भी मेहनत करके ना कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे मैं देख रहा हूँ कि मतलब यार बिल्कुल मतलब प्यार नहीं मिल रहा है, कि मतलब आप शेयर नहीं कर रहे हो वीडियोस को, आपने अपने स्टेटस में शेयर नहीं कर रहे हो, अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं कर रहे हो। इस चीज़ को शेयर करो ताकि भाई को प्यार मिले थोड़ा सा। सो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में आपसे,